हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, अर्थात ये क्या है, नाभिकीय अम्ल है। आरएनए जिसका पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके पहले मैं आपको डीएनए के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो जो डीएनए और आरएनए है, ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। यानी कि ये कहाँ प्राप्त होते हैं, ये ज़्यादातर हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है, आरएनए जिसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में इसी तरह से लिखेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया आरएनए का पूरा नाम। इसके अलावा ये जो आरएनए है, ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो जो आरएनए है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है शुगर, उसके बाद होती है देन फॉस्फेट ग्रुप, और इसके बाद इसमें होता है नाइट्रोजिनस बेस। तो जो राइबोसोम है, इसमें कौन सी शुगर होती है, इसमें होती है राइबोज। जो राइबोज नाम है वो इसी से बना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड से ही कौन से क्या बना है, राइबोज। याद रखना, इसमें कौन सी शुगर होती है, राइबो के बाद क्या आ जाएगा, इसमें कौन सी शुगर होती है, राइबोज। तो राइबोज याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं, इसके जो पूरा नाम है उसी से इसका शुगर का नाम जुड़ा हुआ है। तो आरएनए का पूरा नाम सबसे पहले याद रखेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद इसमें कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। अब मैंने इसके पहले आपको डीएनए के बारे में बताया, तो जो डीएनए होता है वो डबल चेन का बना होता है, यानी कि डबल स्ट्रैंड का होता है, यानी कि इसमें दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। लेकिन जो आरएनए होता है वो एकल सूत्री यानी कि सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये केवल एक ही चेन का बना होता है। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देता है कि जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड का बना होता है। क्यों, क्योंकि जो आरएनए की संरचना होती है वो घुमावदार होती है। जो आरएनए संरचना होती है वो वापस से जा करके घूम जाती है, तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आरएनए डबल चेन का बना हुआ है। बट ऐसा नहीं होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है या सिंगल चेन का होता है। तो इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, आरएनए क्या होता है, एकल सूत्री। एकल सूत्री मतलब चेन, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ओके, तो आरएनए का पूरा नाम याद हो जाएगा, इसमें कौन सी शुगर होती है, और ये एकल सूत्री होता है। अब आरएनए में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिडिन। इसी तरह से हमने डीएनए में भी पढ़ा था, कौन कौन से, प्यूरिन और पिरिडिन। बट यहाँ पर एक अंतर जो है वो है, जो डीएनए है उसमें होता है थाइमिन और इसमें आ जाता है यूरेसिल। इसमें थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल। डीएनए में थाइमिन होता है, इसी वजह से उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत होती है, स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा आ जाती है। जबकि इसमें जो यूरेसिल होता है, इससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आरी भाषण में तो अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं। नाइट्रोजिनस क्षार या बेस पेयर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्यूरिन, क्या होता है, प्यूरिन, और दूसरा होता है पिरिडिन। अब हम देखेंगे कि प्यूरिन में क्या क्या होता है। तो देखिए, प्यूरिन में होता है एडिनिन, एडिनिन जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए। दूसरा होता है ग्वानिन, जिसे बोलते हैं जी, जी से शो करते हैं। अब आ जाती है पिरिडिन पर, तो पिरिडिन भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है साइटोसिन और दूसरा होता है यूरेसिल। यूरेसिल को शो करते हैं यू से और साइटोसिन को सी से शो करते हैं। ओके, अब ये बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, जो ए होता है वो हमेशा जुड़ता है यू से, एडिनिन किससे जुड़ता है, यूरेसिल से।
जबकि डीएनए में एडिनिन किससे जुड़ता है, टी से जुड़ता है डबल बॉन्ड के द्वारा, और ये ग्वानिन और जो साइटोसिन है जी और सी, ये आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि तीन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो आर्यसन में ये क्या क्या होते हैं, इसमें शुगर होती है, नाइट्रोजिनस बेस पेयर होता है, ये भी पेंटामेरस स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसमें पाँच कार्बन वाली संरचना पाई जाती है, इस टाइप से पांच कार्बन वाली इसमें संरचना पाई जाती है, तो ये भी पेंटामेरस संरचना होती है आरएनए। अब हम देखते हैं कि जो आरएनए होता है इसमें जो इसके टाइप्स होते हैं, मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, आनुवांशिक आरएनए। आरएनए के प्रकार देख लेते हैं, पहला प्रकार क्या है, आनुवांशिक आरएनए, दूसरा है अनुवांशिक। एक चीज और बताना भूल गई मैं आपको कि जो आरएनए है वो कहाँ पाया जाता है, इसका स्थान क्या है, इसका स्थान है ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में हमें देखने को मिलेगा, कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। देन इसके अलावा ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में बहुत सारी मात्रा में पाई जाती है। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, और यही ऊर्जा हमारे भोजन का ऑक्सीडेशन करती है, उसको पचाती है। अब हम क्या देख रहे हैं, आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो फर्स्टली ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड ये पाया जाता है राइबोसोम में, कहाँ पर, राइबोसोम। और ये एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, है ना। अब होता क्या है, जो आरएनए है वो आनुवांशिक की तरह कार्य नहीं करता, अर्थात इसके अंदर लक्षण, जो आनुवांशिक लक्षण है, जीन है, वो नहीं पाए जाते हैं। अपवाद है इसका प्लांट वायरस, यानी कि जो पादप विषाणु है उसमें जो वायरस, जो आरएनए होता है वो आनुवांशिक आरएनए की तरह कार्य करता है, अर्थात इसमें कुछ जेनेटिक जीन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो अपवाद क्या है, प्लांट वायरस, प्लांट वायरस में ही क्या होता है, आनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। तो आनुवांशिक आरएनए अभी हम देख रहे हैं कि क्या कहलाता है, आनुवांशिक आरएनए वह आरएनए जो आनुवांशिक की तरह कार्य करता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या बताया मैंने अभी, प्लांट वायरस, इसका एग्जांपल क्या है, प्लांट वायरस। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, वह आरएनए जो आनुवांशिक की तरह कार्य करता है, अर्थात ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, उसे हम कहते हैं आनुवांशिक आरएनए। सेकेंड आता है अनुवांशिक आरएनए। तो अनुवांशिक आरएनए वह आरएनए है जो आनुवांशिक की तरह कार्य नहीं करता है, अर्थात लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक आरएनए। यहाँ पे आरएनए लिख देंगे, तो आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सेकेंड क्या आ जाएगा, अनुवांशिक आरएनए जो कि आनुवांशिक की तरह कार्य नहीं करता, नॉन जेनेटिक, और इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक आरएनए। अब हम देखते हैं अनुवांशिक के प्रकार, जो अनुवांशिक है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं ये, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि अनुवांशिक या जेनेटिक आरएनए के प्रकार ये लिखिए या उनके प्रकार बताइए, तो आपको तीनों प्रकार को बताना है। सबसे पहला एम है आरएनए, एमआरएनए, क्या है, एमआरएनए। सेकंड है टीआरएनए, अभी इसका फुल फॉर्म बताएंगे बाद में, टीआरएनए। और थर्ड है आरआरएनए, ओके। तो ये तीन नाम आप नोट कर लीजिए, अनुवांशिक यानी नॉन जेनेटिक आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, फर्स्ट एमआरएनए, सेकंड टीआरएनए, और थर्ड आरआरएनए। सर्वप्रथम हम देखते हैं एमआरएनए, एमआरएनए जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, या इसे हम कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। इसका पूरा नाम क्या है, मैसेंजर या संदेश वाहक
संदेश वाहक आरएनए, एमआरएनए, एम का मतलब है मैसेंजर। अब सेकंड आता है टीआरएनए, जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए, जिसका पूरा नाम है राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमआरएनए। तो एमआरएनए जो है, इसकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक जैकब और मोनर्ड ने की थी सन 1961 में। तो सर्वप्रथम किसने बताया था? वैज्ञानिक जैकब एवं मोनर्ड ने, जैकब एवं मोनर्ड ने सन 1961 में इसकी खोज की थी। कब? सन 1961 में। अब मैसेंजर, जैसे हमारे फ़ोन में भी होता है मैसेंजर, मैसेंजर का काम क्या है? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसी तरह जो मैसेंजर आरएनए है, इसका भी यही काम है। इसका काम है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान अर्थात इसका काम है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए से सूचनाओं को कहाँ तक ले जाता है? ये डीएनए से सूचनाओं को राइबोसोम तक ले जाता है। क्या करता है? डीएनए से, और डीएनए कहाँ होता है? चूँकि केंद्रक में होता है, तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये सूचनाओं को केंद्रक या डीएनए से राइबोसोम तक लेकर जाता है। राइबोसोम तक क्या ले जाता है? ये सूचनाओं को ले जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मैसेंजर। सूचनाओं को ले जाता है, कौन ले जाता है? एमआरएनए, यानी कि संदेश वाहक आरएनए। इसका काम है संदेश यानी मैसेज को डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाना। इसके अलावा ये जो डीएनए है, ये पाया जाता है, जो अगर साइटोप्लाज्म में कुल आरएनए देखा जाता है, तो सॉरी डीएनए नहीं है, ये आरएनए है। तो साइटोप्लाज्म में जो आरएनए होता है, उसका लगभग 3 से 5%, कितना? 3 से 5% कौन होता है? एमआरएनए। यानी अगर हम देखें तो सबसे कम जो आरएनए पाया जाता है वो होता है एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो इसका मात्रक कितना होता है, कितनी पाए जाते हैं? ये 3 से 5% टोटल होता है जो आरएनए, उसका 3 से 5% हमें ये देखने को मिलता है। अब आते हैं टीआरएनए पर। टीआरएनए का पूरा नाम मैंने क्या बताया था? ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, यानी परिवहन भी, जिसे हिंदी में कह सकते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफ़र करना। तो ये किसको ढोता है? ये ढोता है एमिनो एसिड को। किसको ढोता है? एमिनो एसिड को ये ढोने का काम करता है। एमिनो एसिड को ढोने का काम करता है, और ये प्रोटीन का निर्माण के स्थान तक इसको ये पहुंचाता है, प्रोटीन को ढोने का कार्य करता है। और ये कितना पाया जाता है? ये होता है लगभग 10 से 15%। कितना होता है? 10 से 15% क्या पाया जाता है? टीआरएनए। 10 से 15% क्या होता है? टीआरएनए। 3 से 5% क्या होता है? एमआरएनए। अब बात आती है आरआरएनए, जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। और सबसे ज़्यादा यदि साइटोप्लाज्म में हम देखें आरएनए, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, से हिंदी में भी राइबोसोमल ही कहते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए इसका पूरा नाम है, राइबोसोमल आरएनए। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिलता है हमें? आरआरएनए, अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है नीट में, एग्जाम में, कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है, आपको क्या देना है आंसर? आरआरएनए जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। लगभग कितनी मात्रा होती है इसकी? इसकी होती है 80 से 85%। यहाँ लिख देते हैं कितनी होती है, 80 से 85%। 80 से 85% मात्रा किसकी होती है? राइबोसोमल आरएनए की। तो इसको ज़रूर नोट कर लेना, मात्रा ज़रूर याद रखना कि कौन कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? एमआरएनए, जो कि होता है 3 से 5%, टीआरएनए होता है 10 से 15%, और आरआरएनए होता है 80 से 85%। आरआरएनए का मुख्य कार्य होता है, ये करता है प्रोटीन का निर्माण करता है।
राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये जो निर्माण है वो कहाँ होता है, राइबोसोम के अंदर होता है। अब बात आती है जो प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम के अंदर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। अब बात आती है कि जो mRNA है, जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको बता रही हूँ, mRNA है उसकी खोज किसने की थी और कब की थी। mRNA की खोज की थी वैज्ञानिक जैकब एवं मोनार्ड ने सन 1961 में की थी। और सबसे कम मात्रा में क्या होता है, mRNA, और सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, rRNA, यानी कि राइबोसोमल RNA होते हैं। ये सब किसके प्रकार है, ये है अनुवांशिक यानी कि नॉन जेनेटिक RNA के प्रकार हैं। अब हम एक रैपिड रिविज़न कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है राइबो RNA, जिसका पूरा नाम मैंने क्या बताया आपको, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। इसमें कौन सी शुगर होती है, राइबोज, राइबो से ही याद रखना है, राइबोज शुगर होती है। और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है यानी कि ये केवल एक ही चेन का बना होता है। अब क्या होता है, जो RNA है वो एक ही चेन का होता है, लेकिन ये इस टाइप से घुमावदार संरचना बना लेता है और ये आपस में यहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं। इसलिए इसे हम अगर हम देखते हैं तो ये हमें डबल स्टैंड दिखाई देने लगता है। लेकिन जो आनुवंशिक RNA है उसमें जो प्लांट वायरस है, वो प्लांट वायरस कैसा होता है, डबल स्टैंड होता है, DNA के समान होता है, तभी ये आनुवंशिक की तरह कार्य करता है। एकल सूत्री होता है यानी कि सिंगल स्ट्रैंड होता है। नाइट्रोजनस बेस पेयर कौन कौन से होते हैं, AG, C और U होते हैं, जबकि DNA में क्या होता है, AG, C और T होते हैं। ए हमेशा किससे जुड़ता है, यू से डबल बॉन्ड के द्वारा, जी हमेशा सी से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। सेकेंड, अब इसके प्रकार आ जाते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, कोशिकाधम में, माइटोकॉन्ड्रिया में और राइबोसोम में। इसके प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। जेनेटिक के अंतर्गत क्या आता है, प्लांट वायरस, क्लियर। अब आ जाता है जेनेटिक, जेनेटिक होते तीन प्रकार के, कौन कौन से, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA 3-5%, 10-15% और rRNA 80-85%। mRNA ये क्या करता है, सूचनाओं को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए उसका नाम, सॉरी, ये सूचनाओं को पहुंचाता है, इसलिए इसका नाम मैसेंजर पड़ा है। ट्रांसफ़र का काम क्या है, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसका नाम ट्रांसफ़र RNA। और राइबोसोमल RNA, क्योंकि ये राइबोसोम के अंदर इसका किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे राइबोसोमल RNA कहा जाता है। तो ये रहा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।